इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन है बच्चों को. सो ये जो टेस्ट नंबर 9 to 12 में इस क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने गलत किया है, मुझे बताइए बेटे इसका क्या आंसर आएगा. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, रीजन. बताइए बेटे, करिए इस क्वेश्चन को. चलिए बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश. ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर. एब्सोल्यूटली राइट, ये बात ठीक है. ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर. बहुत से बच्चों ने मेरे से ये कहा है कि सर आंसर वन होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन है जो हमें कंफ्यूज कर रही है. सो ये बहुत से बच्चों ने मेरे से कहा है, कई बच्चों ने इसमें गड़बड़ करी है, आंसर वन लगाया है और उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया है करेक्टली. माइंड यू, उनकी गलती नहीं है इसमें, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया है एनसीईआरटी का और उसी लाइन को पढ़ करके मैंने डेलिब्रेटली ये क्वेश्चन बनाया है. तो सबसे पहले एक एनसीईआरटी की उसी लाइन को देख लेते हैं जिसकी बात हो रही है. सो एनसीईआरटी में ये वो लाइन है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है, इसकी वो लाइन है जहां पर लिखा है कि इस तरह की चीजों को कैसे करना चाहिए. तो अगर हम देख लें एक बारी, सो यहां पर यह लिखा है कि द ऑर्गेनिक फार्मर, देखिए ध्यान से, द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल. सो देखिए यहां पर क्या शब्द लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल. अगर आप एनसीईआरटी की ये लाइन लेते हैं तो इन बच्चों का पॉइंट वैलिड है. आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए. यस यस बेटे, मैं इसीलिए ये कहना चाह रहा हूं बेटे कि इसी क्वेश्चन को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये एनसीईआरटी की मिस्टेक है, ये एनसीईआरटी में लाइन ठीक नहीं है, यहां पर ये होना चाहिए था. देखिए फ्लो भी देखिए, द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट इरेडिकेशन ऑफ क्रीचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली इम्पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल. नाउ इट मेक्स सेंस. अगर आप समझ रहे हैं, ना केवल आप इसको कर पाएंगे बल्कि डिजायरेबल भी नहीं है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मीनिंग हियर. यहां पर ये एनसीईआरटी की मिस्टेक है. एक बच्चे ने मेरे से बहुत बढ़िया ये बात पूछी, मैं नाम भूल गया उसका. उन बच्चे ने मेरे से ये कहा कि सर अब इसका करें क्या. मान ली अनुज गुप्ता का क्वेश्चन ये था कि सर ये बताइए एनसीईआरटी के हिसाब से लगाएं या सही लगाएं. तो देखिए बड़े ध्यान से बेटे, मैं एनसीईआरटी में ये हिंदी वर्जन है. सो अगर आप देखें, ये एनसीईआरटी का हिंदी वर्जन है, एनसीईआरटी में ही टाइपिंग मिस्टेक दिखा रहा हूं. ये बेटे हिंदी वर्जन है एनसीईआरटी का. कहां गया? सो अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है उदाहरणतार जिन्हें बहुधा पीड़क कहा जाता है उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं. सो देखिए बेटे, हिंदी में उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, उनका इरेडिकेशन ना केवल इम्पॉसिबल है बल्कि अनडिजायरेबल भी है. सो ये जो टाइपो है, टाइपिंग एरर है, ये बेटे इंग्लिश वाले सेशन में है, इसीलिए मास्टर क्लास में इस क्वेश्चन को डेलिब्रेटली डाला हुआ है. अब अनुज के क्वेश्चन पे आते हैं. अनुज ने यह कहा कि सर इस तरह के क्वेश्चन का करें क्या. तो सही आंसर लगाइए, 2022 में दो क्वेश्चन ऐसे थे, मैं जूलॉजी के दो क्वेश्चन आपको याद दिलाता हूं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन के स्पर्माइशन पे एक क्वेश्चन था जिसमें इनटू और फ्रॉम की प्रॉब्लम थी. एनसीईआरटी में शब्द था रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल, और जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था वो था इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल. आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. ये बात को ध्यान से समझिएगा बेटे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए. और उसके बाद मेरे ही कहने पर कई बच्चों ने इसको क्या किया था, चैलेंज भी किया था. हमने यही प्ली डाली थी, हमने यही कहा था कि एनसीईआरटी में यहां फ्रॉम लिखा है, इनटू नहीं लिखा, और फ्रॉम और इनटू का मतलब सेम नहीं होता, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हुए थे. इसको आपको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया गया. यस यस, मेनी स्टूडेंट्स लॉस्ट द मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, और वो कंसिडर नहीं किया गया. तो इसीलिए बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्लीज आपको सही लगाना है. कुछ बच्चे जो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एक दो एडिशन पुराने, उसमें ऐसे लिखा होता था कि हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन मिलाकर के ब्रेन स्टेम बनाता है, उसमें सेरिबेलम इंक्लूड नहीं होता. बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन आपके पास जो एनसीईआरटी होगी उसमें आप देखेंगे कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला मिलकर के क्या बनाता है बेटे, ब्रेन स्टेम. इसका मतलब एनसीईआरटी में भी करेक्शन किए जाते हैं, जो आगे के एडिशन्स आते हैं उसमें भी करेक्शन किए जाते हैं. सो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप
आपको सही पता है तो सही आपको आंसर लगाना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि अनुज के इस क्वेश्चन का हम ठीक से आंसर दे पाए होंगे।